मॉर्निंग टाइम्स ऑन और भारत के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका यादव। बुलेटिन में आप देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और वो खबरें जो आज दिन भर का एजेंडा तय करेंगी और वो खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। लेकिन सबसे पहले देखिए फटाफट अंदाज में कुछ बड़ी खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के मंडी का दौरा करेंगे। मोदी यहां 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की पन बिजली परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह की भी अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में लगभग 28,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत के साथ क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ आज चुनाव आयोग की अहम बैठक है। आगामी विधानसभा चुनाव में कोरोना के खतरे को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड अटैक हुआ है। SBI बैंक के पास तैनात CRPF जवानों पर यह हमला हुआ। आतंकी हमले में 2 पुलिस वाले घायल हुए हैं। नागालैंड में फायरिंग में मारे गए लोगों की घटना के बाद अब केंद्र सरकार यहां से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटाने पर विचार कर रही है। खबर है कि केंद्र सरकार इस मामले के लिए जल्द एक कमेटी भी बना सकती है। यूपी के जालौन में गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा अखिलेश ये सपना देख रहे हैं कि वो सत्ता में आए और अयोध्या में बन रहे राम मंदिर पर अड़ंगा लगा दें, राम मंदिर को बनने से रोक दें। गृह मंत्री अमित शाह ने कासगंज में भी एक रैली को संबोधित किया। अमित शाह समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों पर एक साथ बरसे। शाह ने SP BSP पर जातिवादी और परिवारवादी राजनीति का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने झांसी में महिला मैराथन का आयोजन किया। इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा जब रैली को संबोधित कर रही थी तो लोगों का मोदी मोदी के नारे लगाते वीडियो वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ, प्रतापगढ़ और सीतापुर का दौरा करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली में आज पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और BJP नेताओं की बैठक होगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में पंजाब में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा होगी। कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक पीयूष जैन को GST इंटेलिजेंस की टीम ने कन्नौज से गिरफ्तार किया है। कानपुर और कन्नौज में छापेमारी के दौरान पीयूष जैन के ठिकानों से कुल 257 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं। अब पीयूष जैन को आज कानपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा। आगरा के बिलोचपुरा लोहा मंडी में बने RSS के कार्यालय पर कुछ लोगों ने पथराव किया। इस पथराव में कई RSS कार्यकर्ता घायल हो गए। पुलिस ने 40 से 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट में ब्लास्ट हो गया। इस धमाके में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। झारखंड के गिरिडीह में वैक्सीनेशन टीम के साथ मारपीट हुई है। टीकाकरण के विरोध में ग्रामीणों ने लाठी डंडों से इनकी पिटाई की। स्वास्थ्य कर्मी इलाके में जागरूकता अभियान चला रहे थे। दिल्ली में आज से नाइट कर्फ्यू लगेगा। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रफ्तार तेज हो गई है। हिमाचल में पहला केस सामने आया है। महाराष्ट्र में 31 नए केस मिले हैं। देश के 18 राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने अपनी दस्तक दे दी है। देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 450 के पार पहुंच चुकी है। दिल्ली NCR में कल हुई बारिश की वजह से पारा और ज्यादा गिर गया है। दिल्ली में हो रही बारिश की वजह से ठिठुरन और बढ़ गई है। वहीं पहाड़ों में भी लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। केदारनाथ धाम में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी कई इलाकों में बर्फबारी जारी है, जिस वजह से इन इलाकों के आसपास ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के नारकंडा में भी बर्फबारी होने की वजह से ठिठुरन काफी ज्यादा बढ़ गई है।
और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के मंडी के दौरे पर रहेंगे। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पनबिजली योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। मंडी में सुबह 11:30 बजे प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह की अध्यक्षता करेंगे और इस दौरान लगभग 28,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत के साथ इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री रेणुकाजी बांध परियोजना की आधारशिला रखेंगे, जिसे 6 राज्यों को एक साथ ला करके संभव बनाया है। ये परियोजना दिल्ली की पानी की कमी को पूरा कर सकती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां पर बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम रखा गया है। रेणुकाजी बांध परियोजना की आधारशिला भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 बजे रखने वाले हैं। रेणुकाजी डैम परियोजना के बारे में आपको बता दें, यमुना की सहायक गिरी नदी पर निर्माण इसका हो रहा है, जिससे दिल्ली में जो पानी की कमी अक्सर रहती है, जो किल्लत रहती है, उससे काफी ज्यादा सहूलियत अब दिल्ली वासियों को मिलने वाली। 148 मीटर का ऊंचा रॉक फिल ये बांध है और साथ ही रेणुकाजी डैम परियोजना में 49,800 हेक्टर मीटर पानी की क्षमता है, जो कि पानी की भारी कमी जो दिल्ली में हो रही है उसे दूर करेगी। 40 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा इसमें। और चलिए इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ आज चुनाव आयोग की अहम बैठक है और ये बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव में कोरोना के खतरे को लेकर के चर्चा होगी। और कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग से कोरोना के हालात को देखते हुए विधानसभा चुनाव को फिलहाल टालने की अपील की थी और इसके अलावा कोर्ट ने टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार करने को कहा था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि जान है तो जहान है, जिसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने अगले हफ्ते उत्तर प्रदेश का दौरा करके हालात का जायजा लेने के बाद कोई फैसला करने की बात कही थी। अब देखना होगा कि क्या फैसला आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए लिया जाता है। और दिल्ली में आज से नाइट कर्फ्यू लगेगा, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है, ताकि इस कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोका जा सके। रात 11 बजे से 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, यानी कि किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं है सिवाय एसेंशियल सर्विस के। जैसे कि एम्बुलेंस की अगर बात करें, मीडिया कर्मियों की बात करें, तो उन्हें हर तरीके की छूट यहां पर मिलेगी, लेकिन आम पब्लिक को बाहर निकलने की इजाजत नहीं मिलेगी। कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने ये आदेश दे दिया है कि 11 बजे से लेकर के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। तो ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रिकॉशन डोज का भी ऐलान कर दिया है। वैक्सीनेशन पर कहा है कि देश एक्शन मोड में है। पीएम ने भरोसा दिलाया है कि देश में इलाज की पर्याप्त व्यवस्था है। देश में 18 लाख आइसोलेशन बेड की भी सुविधा है। 4 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर देश भर को दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ओमिक्रॉन से घबराना नहीं है, बल्कि हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम सावधान हैं? कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं? सरकार अपनी तरफ से एक एक जिंदगी बचाने के लिए तो बहुत कुछ कर रही है, लेकिन क्या जनता अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा पा रही है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बढ़ते ओमिक्रॉन के केस को देखते हुए सबसे पहले केंद्र सरकार से बूस्टर डोज की मांग की थी। अब केंद्र सरकार ने बूस्टर डोज का ऐलान भी कर दिया है। वहीं सरकारों के अलावा दिल्ली का बाजार व्यापार संघ भी मार्केट में बढ़ती भीड़ को कम करने को लेकर काफी सक्रिय है। इसीलिए 25 और 26 दिसंबर को ऑड इवन फॉर्मूले के तहत दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया था। लेकिन क्या इन लोगों की कोशिशों के अलावा दिल्ली वाले भी अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा रहे हैं? ये सच जानने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम सबसे पहले पहुंची सरोजनी नगर मार्केट में और यहां हमारे कैमरे ने क्या रिकॉर्ड किया, आप भी देखिए। प्रशासन ने अपनी सख्ती दिखाई और यहां पर ऑड इवन नियम लागू किया, लेकिन उसके बावजूद देखिए तस्वीर देखिए कि लोग किस तरीके से बेकाबू होते हुए भीड़ में तब्दील हो रहे हैं और ये भीड़ जो है किस तरीके से संक्रमण के प्रसार में अपना सहयोग कर रही है। क्योंकि ये जो भीड़ है, इसमें जो आप लोग देख रहे हैं, ये लोग जाने और अनजाने दोनों तरीके से जो कोरोना का संक्रमण है उस संक्रमण को फैलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
सरोजनी नगर मार्केट का ये हाल देखने के बाद चिंता बढ़ना लाजमी था, लेकिन सवाल था कि क्या ये दिल्ली में एक अकेली मार्केट की तस्वीर थी या दूसरी मार्केट में भी यही लापरवाही है। तो जवाब जानने के लिए हम पहुंचे जनपद और यहां हमें सामाजिक दूरी के नियमों की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। इस वक्त जनपद मार्केट के अंदर हम मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि भीड़ जो है वो काफी ज्यादा यहां पे आपको नजर आ रही है और दुकानदार जरूर हैं जो बिना मास्क के आपको नजर आएंगे। देखिए वो दुकानदार हैं जिनके पास काफी सारे ग्राहक पहुंचते हैं और वो खुद यहां बिना मास्क के मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार तो अपनी तरफ से पुख्ता कदम उठा रही है, लेकिन जो लोगों की लापरवाही है वो एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते नियमों में दावत दे रही है कि कोई अनहोनी हो, क्योंकि जिस तरीके से लोग मार्केटों में निकल रहे हैं, बाजारों में निकल रहे हैं, वीडियो सामने आ रही हैं, वो अपने आप में साफ दर्शा रही हैं कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं और ये लापरवाही उन पर भारी पड़ सकती है। कैमरामैन सुजीत के साथ मोहित ओम। तो ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए बूस्टर डोज मांग जोर पड़ती जा रही है। उसकी मांग को लेकर के विशेषज्ञों से लेकर के कई राजनीतिक दल तक जनता को बूस्टर डोज दिए जाने की मांग उठा चुके हैं और अब तो प्रधानमंत्री भी बूस्टर डोज दिए जाने का ऐलान कर चुके हैं। तो सवाल यह है कि बूस्टर डोज किसे लगेगा, कब से लगेगा और ये बूस्टर डोज आखिर होता क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए। 16 जनवरी 2021 भारत में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत। और 359 दिन बाद जाकर देश में बूस्टर डोज का आगाज। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शनिवार को दिया गया राष्ट्र के नाम ये संबोधन सुनिए, क्योंकि इसी के बाद आपको मालूम चलेगा कि कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज सबसे पहले देश में किसे लगाई जाएगी और कब से लगाई जाएगी। हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बूस्टर डोज शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसकी जगह प्रिकॉशन डोज के टर्म का प्रयोग किया और ये प्रिकॉशन डोज देश में सबसे पहले उन हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाई जाएगी जिन्होंने इस कोरोना संकट में अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर देश के हर नागरिक का बहुमूल्य जीवन बचाने में अहम भूमिका निभाई। इसलिए सबसे पहले बारी इनकी ही आएगी और इसकी तारीख होगी 10 जनवरी दिन सोमवार से, जिसमें सिर्फ यही लोग शामिल नहीं होंगे बल्कि लाइलाज बीमारियों से ग्रस्त मरीजों और बुजुर्गों को भी कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगाई जाएगी। इसमें 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग शामिल होंगे। 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर के सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। अब आपके लिए समझने वाली दो तीन बातें क्या हैं? कोरोना से लड़ाई में बूस्टर डोज आखिर है क्या, बूस्टर या फिर प्रिकॉशन डोज लगाए जाने की नौबत क्यों आई और बूस्टर डोज को लेकर हिंदुस्तान की तैयारी कितनी है? तो हम सिलसिलेवार तरीके से आपको हर सवाल का जवाब देंगे। पहला और दूसरा सवाल, बूस्टर डोज आखिर है क्या और इसकी नौबत क्यों आई? तो ये बात आप जानते ही हैं कि भारत में कोरोना का नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन देश के 19 राज्यों में अपनी पहुंच बना चुका है। संक्रमित करने की इसकी बुलेट रफ्तार ऐसी है कि कुछ ही दिनों में देश में इसके 450 से अधिक केस सामने आ चुके हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि जो लोग वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं और वैक्सीन लगे 6 महीने से अधिक समय बीत चुका है, तो इन लोगों में ओमाइक्रॉन के खिलाफ मात्र 20-30% ही इम्यूनिटी पाई गई है, लेकिन अगर उन्हें बूस्टर डोज लगाई गई तो उनकी इम्यूनिटी 50-70% हो गई। इसलिए अब ऐसे लोगों को बूस्टर डोज लगाना जरूरी है। बूस्टर डोज की बात हुई, आपने दोनों डोज शायद शुरुआत में ही ले ली थी जनवरी के दौरान। यस सर, दोनों डोज हमारी कंप्लीट है। ये बूस्टर डोज का सुनते ही हमें भी बहुत अच्छा लगा, जो हमारी सेफ्टी के लिए प्रधानमंत्री जी ने सोचा वो काफी अच्छा हमको लगा। ये अच्छा है हमारे लिए बिकॉज हम लोग डायरेक्ट पेशेंट के साथ एक्सपोज होते हैं, तो हमारे हम लोग तो ज्यादा इफेक्ट हो सकते हैं इस चीज से, तो ये हमारे लिए अच्छा है कि हम लोग बूस्टर डोज लेंगे उसके। अब तीसरा और सबसे अहम सवाल कि प्रिकॉशन डोज की मंजूरी तो सरकार ने दे दी, लेकिन क्या तीसरी डोज के लिए हिंदुस्तान की तैयारी पूरी है? तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि तीसरी डोज उन्हें ही लगेगी जिन्हें कोरोना की दोनों खुराक यानी फुल डोज लग चुकी है।
फिर चाहे वो कोविशील्ड हो या फिर कोवैक्सीन। और इससे जुड़ी देश में फिलहाल स्थिति ये है कि देश में 1,41,00,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिनमें 61% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। यानी बूस्टर डोज की शुरुआत देश के इसी 61% जनता से होगी। लेकिन अब बात आती है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के पास क्या पर्याप्त मात्रा में बूस्टर डोज है, या फिर इसको लेकर उनकी तैयारी किस चरण में है। तो स्वदेशी कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने वैक्सीन की तीसरी खुराक के लिए तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल को लेकर 15 दिसंबर को आवेदन जमा किया था। ये कोवैक्सीन के इंट्रानेजल टीके का क्लिनिकल ट्रायल है और इस बार ये बूस्टर यानी तीसरी खुराक के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए है। इसके अलावा बायोलॉजिकल ई ने फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल की रिपोर्ट जमा कर दी है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने हाल ही में कोविशील्ड के बूस्टर डोज को लेकर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी को अपना डाटा सबमिट किया है और साथ ही ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से बूस्टर डोज के लिए अनुमति भी मांगी है। बूस्टर थर्ड डोज बहुत जरूरी है, ये सब जगह की स्टडीज ने बताया है कि अगर आपके पास दो डोज है तो दोबारा से वायरस आ सकता है, स्पेशली ओमिक्रॉन या ऐसा नए स्वरूप वाला वायरस, क्योंकि आपकी एंटीबॉडीज घट गई हैं या वैसी बनी नहीं है जैसा वायरस को रोका जा सके। इसलिए मेरे विचार से भारत सरकार और सारा जो एक्सपर्ट ग्रुप है वर्क कर रहा है, बट मेरी अपनी ओपिनियन है कि बूस्टर तुरंत मिलना चाहिए। अगर हम लोग ओमिक्रॉन के जनवरी फरवरी की वेव के लिए तैयार रहना चाहते हैं, अभी से बूस्टर लगाना मेरे विचार से जरूरी है। अब चूंकि सरकार ने सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाने की मंजूरी दे दी है, तो उम्मीद यही है कि प्रिकॉशन डोज को लेकर जो भी अड़चने आ रही हैं, उन्हें जल्द दूर कर दिया जाएगा और तीसरी लहर की आशंका के बीच देश की आम जनता को बहुत जल्द बूस्टर डोज लगाने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो हमारे इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि सरकार की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, हर बड़े कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इस कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके। ये जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसको लेकर के तैयारी सरकार की तरफ से पूरी हो चुकी है, लेकिन आम जनता को, आपको और हमको भी खास तौर पर इस चीजों का ख्याल रखना है और सावधानी बरतनी है। अब देखिए राज्य की कुछ बड़ी खबरें फैक्टर रिसर्च के साथ। दिल्ली में आज कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी नेताओं की बैठक होगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में पंजाब में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा होगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से अलग होकर पंजाब लोक कांग्रेस नाम से पार्टी बनाई है और बीजेपी और कैप्टन के इस गठबंधन में अकाली दल संयुक्त के सुखदेव सिंह ढींडसा के शामिल होने के संकेत हैं। जानकारी के मुताबिक बीजेपी गठबंधन में बड़ी सहयोगी होगी। सूत्रों की माने तो कुल 117 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 70 से 82 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और बाकी सीटों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। दिल्ली में आज होने वाली इस मीटिंग में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने झांसी में एक महिला मैराथन का आयोजन किया। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व कर रही प्रियंका गांधी वाड्रा ने झांसी में एक रैली को संबोधित किया, जिसमें लोग मोदी मोदी और योगी योगी के नारे लगाते नजर आए। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस रैली में महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार किया। यूपी बीजेपी की तरफ से इस रैली का एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी के समर्थन में नारे लगाते देखा जा सकता है। आगरा के बिल्लोचपुरा लोहा मंडी में बने आरएसएस के कार्यालय पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब कुछ लोगों ने यहां पथराव करना शुरू कर दिया। इस पथराव में कई आरएसएस कार्यकर्ता घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही बीजेपी संगठन के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लोहा मंडी थाने का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया और पथराव करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। सूत्रों की माने तो विशेष समुदाय के कुछ अराजक तत्व कार्यालय के पास शराब पी रहे थे। आरएसएस कार्यकर्ताओं ने लोगों को यहां शराब पीने से मना किया। इस पर असामाजिक तत्व भड़क गए और उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। इस मामले में 40 से 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। अपने एक वीडियो एल्बम के गाने को लेकर अभिनेत्री सनी लियोनी एक बार फिर विवादों में घिर गई हैं और गाने मधुबन को लेकर जारी विवाद के बीच संगीत एल्बम सारेगामा ने रविवार को एक बयान भी जारी किया।
सारेगामा ने अपने बयान में कहा कि वो अपने गाने मधुबन के बोल और नाम को बदल देंगे। दरअसल इस गाने को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाया था कि गाने के वीडियो ने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। विवाद बढ़ने के बाद अब संत समाज भी सनी लियोनी के इस वीडियो एल्बम के खिलाफ खड़ा हो गया है। मथुरा में पुजारियों और संतों ने इस वीडियो एल्बम पर बैन लगाने की मांग की है। देश की राजधानी दिल्ली में कल हुई बारिश की वजह से राजधानी का पारा और ज्यादा गिर गया है। दिल्ली में हो रही बारिश की वजह से ठिठुरन और बढ़ गई है। वहीं पहाड़ों में भी लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। केदारनाथ में पिछले दो दिन से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में कई इलाकों में बर्फबारी जारी है, जिस वजह से इन इलाकों के आसपास ठंड काफी बढ़ गई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां के नारकंडा में भी बर्फबारी होने की वजह से ठिठुरन काफी ज्यादा बढ़ गई है। और इसी के साथ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महिला वोटरों की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। हर पार्टी आधी आबादी को अपने पक्ष में करने को बेताब है और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी 20% है। जाहिर है वो चुनावी समीकरण को बनाने बिगाड़ने की चुनावी हैसियत रखते हैं। और आज इस रिपोर्ट में हमने मुस्लिम महिलाओं के मन की बात जानने की कोशिश की है, उनके मुद्दे को पहचानने की कोशिश की है। आखिर डबल इंजन की सरकार किस तरीके से और विपक्ष पर मुस्लिम महिलाओं की राय क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये जो हो रहा था रोड पर लड़कियों के साथ, वो बहुत जगह जगह पुलिस खड़ी रहने लगी, लेडीज पुलिस खड़ी रहने लगी। लड़के इस टाइम बहुत सेफ है। सरकारी अनाज भी मिला है, सभी कुछ मिल रहा है। ये नहीं कि हिंदुओं को मिल रहा है, मुसलमानों को नहीं मिल रहा, दोनों को बराबर मिल रहा है। मुस्लिम महिला को बहुत अच्छा कर रखा है, और क्या उन्होंने सिलेंडर भी बांटे और आधार कार्ड बनवाया, इससे बहुत फायदा होता है। ये वही राजनीतिक ताकत है जो बीजेपी को चुनावी समर में अजेय बनाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के मुरीद हर समुदाय में, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम महिलाएं। आज जो है जवान बच्ची भी कहीं भी जा सकती है, कोई ऐसी रोकथाम नहीं है। जब से मोदी जी उठे हैं, ये उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रखा। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं की हैं हमारी मुसलमान औरतों के लिए। सबके लिए सोच रहा है वो, एक सार काम कर रहा है, हिंदू मुस्लिम उसके लिए सब एक नजर में है। राजनीतिक पंडित गफलत खा गए, भविष्यवाणियां धरी की धरी रह गई, और लोकसभा चुनाव में 60% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट देकर सबको चकित कर दिया। लेकिन अब लड़ाई लखनऊ की, यहाँ मोदी के साथ योगी भी। विधानसभा चुनाव का चेहरा अलग, मुद्दे अलग। हमारी सहयोगी हर्षा चंदवानी ने मेरठ में मुस्लिम महिलाओं से बात की और उनकी कब्ज टटोली। यूपी में 20% मुस्लिम है और 20% वोटरों को लुभाने के लिए सभी सियासी पार्टियों में घमासान भी मचा हुआ है। लेकिन बात करें मुस्लिम महिलाओं की, तो आज टाइम्स नाउ नव भारत की टीम मेरठ पहुंची है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे मुस्लिम समुदाय के जो वोट हैं वो किसी भी नेता की हार या जीत पर खासी महत्व डालते हैं। इसीलिए आज हम मेरठ पहुंचे हैं। मेरठ की अलीबाग कॉलोनी में इस वक्त मौजूद हूं और टाइम्स नाउ नव भारत की टीम जानेगी कि आखिरकार जो मुस्लिम मतदाता है, जो मुस्लिम महिलाएं हैं खासकर, वो क्या सोच रही हैं इस चुनाव में, उनके चुनावी मुद्दे क्या है, उनके मन की बात क्या है। नेताओं और उनकी नीतियों का असर सीधे घर के बजट से जुड़ता है, और यही वजह है कि राजनीति से परे मारी जाने वाली महिलाएं पूछे जाने पर अपनी राय रखने से नहीं चूकती। मेरठ के मुस्लिम महिलाओं ने सरकार की योजनाओं की खुलकर तारीफ तो की, लेकिन उनके मन में कई सवाल भी थे, खासकर LPG गैस की कीमत को लेकर। सिलेंडर के फार्म भरे थे, हमारे पास सिलेंडर भी नहीं आया बिल्कुल भी। फार्म भर के भी यूँ कह दिया था कि भाई एक महीने बाद आएगा, फिर हम दूसरे महीने में गए थे तो दूसरे महीने में भी यूँ कह दिया था तुम्हारा फार्म कैंसिल हो गया है। किराए पे रहते हम, ना घर है, ना मतलब सिलेंडर मिला में, ना ऐसी कोई बात है। 7,500 रुपए का मैंने खुद ने कनेक्शन लिया था। अब मुझे ये पता नहीं है कि नेता क्या कर रहे हैं, या सिलेंडर दे रहे हैं, या क्या कर रहे हैं। हमने तो अपने पैसों से लिया था। एकदम 1,000 का 950 का सिलेंडर आ रहा है, बताओ। पहले सरकारों में 450-450 बस इतना आता था। सरकार दो बार अनाज दे रहे हैं, पर सिलेंडर हर चीज पे महंगाई तो डबल हो रही है ना। LPG गैस की कीमत एक ऐसा मुद्दा है जिससे महिला वोटरों का सीधा कनेक्शन है। इसके अलावा घर की तरक्की से जुड़े हर मसले उनके एजेंडे में होते हैं। लिहाजा वो रोजगार, महंगाई,
मंदा कारोबार, बिजली का बढ़ता बिल और ऑनलाइन पढ़ाई में पूरी फीस की वसूली को लेकर परेशान दिखी। शिकायतों की फहरिस्त लंबी थी, कुछ परेशानियां केंद्र की नीतियों से और कुछ प्रदेश सरकार से। बिजली का बिल इतना आ रहा है क्या, हमसे भरा नहीं जा रहा। 300-250 आदमी रुपए हमारा आदमी कमाते हैं, हम उसमें अपना घर चलाएं या दवाई खरीदें या अपना घर चलाएं, बिजली का बिल भरें, राशन लें, क्या लेंगे उसमें। ये महंगाई सस्ताई हो जावे तो कुछ भी वो नहीं है। तेल इतना महंगा, चलो हमने माने राशन फ्री दे रही है एक दफे में, पर सिलेंडर इतना महंगा, तेल इतना महंगा, हर चीज महंगाई है, तो क्या सस्ताई है, कुछ नहीं है। कारोबार भी है और फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, देखो किराए के मकान में रहते हैं, इससे कहाँ से बढ़ जाएगा इंसान, और बल्कि इंसान तो परेशानी टेंशनों में इस टाइम, और कौन सही भी नहीं इस टाइम, महिला कहाँ पढ़ेंगी बताओ। हमारे बच्चे स्कूल ही नहीं जा पा रहे भाई, सारा फ्यूचर बच्चों का खराब हो चुका है। पहले लोगों के पास पैसे नहीं थे, वो अपने बच्चों को यूं नहीं पढ़ा पा रहे थे, आज के वक्त में लोगों के पास पैसे हैं लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, क्योंकि फैसिलिटीज नहीं है भाई। गवर्नमेंट कॉलेज है वो हम अफोर्ड कर सकते हैं, अच्छे कॉलेज हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम कहां से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। महंगाई और घर के बजट से बाहर निकले तो महिलाओं के लिए सुरक्षा अहम मुद्दा रहा है। सरकारें महिला सुरक्षा की कसौटी पर परखी जाती रही है, लेकिन मेरठ की मुस्लिम महिलाओं ने इस मुद्दे पर योगी सरकार की पीठ खूब थपथपाई। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं की हैं हमारी मुसलमान औरतों के लिए। पहले उन्होंने क्या मुझे 1,000 रुपये महीने फीस भी निकलवाई गई, सरकारी पैसा आएंगे, और फिर क्या नाम है, इन्होंने मुसलमान क्या हिंदू क्या सबके लिए एक ही स्कीम बना दी है कि सब कैसे जाएंगी, और इतनी सुविधा करी है लेडीज मुसलमानों के लिए, सब लड़की सहूलियत से जाती हैं, कोई भी परेशानी नहीं आती, हिचक बिना घबराहट के जाती हैं। पहले घबराती थी कि जवान लड़की बाहर नहीं जा सकती, बाहर नहीं निकल सकती, अब वो बेधड़क जा सकती है, कोई कुछ नहीं कहता उन्हें। गर्ल्स की प्रोटेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, कॉलेज गर्ल्स को बहुत सेफ्टी मिली है, कोई मतलब ये जो हो रहा था रोड पर लड़कियों के साथ, वो बहुत जगह जगह पुलिस खड़ी रहने लगी, लेडीज पुलिस खड़ी रहने लगी, लड़के इस टाइम बहुत सेफ हैं। जो है जवान बच्ची भी कहीं भी जा सकती है, कोई ऐसी रोकथाम नहीं है, जब से मोदी जी उठे हैं ये उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रखा। लेडीज भी कई बजे जाओ कई बजे आओ, रात को आ जाओ वो आ जाओ, कोई किसी को नहीं कुछ छेड़ते। मेरठ की मुस्लिम महिलाओं की राय स्पष्ट, वो वोट धर्म की चाशनी में लपेटे गए चुनावी वादों पर नहीं बल्कि असल मुद्दों पर देंगी, उन मुद्दों पर जिससे उनकी जिंदगी पर असर पड़ता है और जो उनकी परेशानी हल करेगा, वोट उसी के खाते में जाएगा। कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में हवा का रुख औरतों की तरफ मुड़ रहा है। प्रियंका गांधी ने अपने दिलचस्प नारे से चुनावी लीड लेने की कोशिश की है। लेकिन अब हर राजनीतिक दल आधी आबादी को अपने खेमे में लाने की जुगत में जुटा हुआ है। हर्षा चंदवानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो चुनावी समर के बीच समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव बीजेपी को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। सड़क, बिजली और महंगाई, हर मुद्दे पर अखिलेश यादव हथियार उसे बना करके योगी आदित्यनाथ पर ताबड़तोड़ निशाना साध रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अखिलेश यादव ने पिछले 5 सालों के दौरान अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में कितना विकास कार्य किया है, क्या आजमगढ़ की जनता अखिलेश यादव और उनके विधायकों के काम से संतुष्ट है। आज हमारे सहयोगी आशुतोष सिंह ने आजमगढ़ में लोगों को चुनावी नब्ज टोला है, उन लोगों की क्या राय है इस रिपोर्ट में देखिए। यह विश्वविद्यालय जो आज यहां पर जिसकी आधारशिला रखी जा रही है, यह विश्वविद्यालय आजमगढ़ को सचमुच आर्यमगढ़ बना ही देगा, इसमें अब कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। यूपी चुनाव की तपिश लगातार बढ़ती जा रही है और उसके केंद्र में पूर्वांचल है, और आज हम पूर्वांचल के उस जिले में मौजूद हैं जिसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपना दूसरा घर बताते आ रहे हैं। साल 2017 में पूरे प्रदेश में पताका फहराने वाली भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ था वो इसी जिले में आकर रुक गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आजमगढ़ की। इस वक्त हम आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे ड्राइवर्स भी हैं और इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये लोग समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उनके कामकाज से संतुष्ट हैं या फिर इस बार आजमगढ़ के दिल में कुछ बदलाव की भी बात सामने आ रही है, क्या लगता है आपको? भाई, बदलाव तो आना ही चाहिए क्योंकि एक ही समय तो रहना ठीक है, तो बदलना जरूरी भी है।
क्यों अखिलेश यादव का काम नहीं बोल रहा है क्या आजमगढ़ में? नहीं नहीं, काम तो सभी का बोल रहा है ना, किसका काम नहीं बोल रहा है, जो रहते हैं वो अपना काम करवे करते हैं, तो ये तो जनता फैसला करेगी ना कि बदलाव किसका है कैसे है, तो समय के चल देगा ना। पाँच साल में कितना बदलाव हुआ, क्या क्या बदलाव है, क्या लगता बहुत है? बहुत बदलाव हुआ है, बहुत काफी बदलाव हुआ है, एकदम देश तरक्की पर, सारी सड़कें एकदम एक नंबर है, आजमगढ़ में सारी सुविधाएं हो गई, भाजपा की सरकार बहुत बढ़िया सरकार चल रही है। लेकिन अखिलेश यादव तो ये कहते हैं कि वो हम ये आजमगढ़ हमारा दूसरा घर है, इटावा के बाद उसे दूसरा घर मानते हैं अपना। तो घर तो अवे कर उनका, यहाँ पर आजमगढ़ माननीय मुलायम सिंह यादव बहुत विकास की है आजमगढ़ में, लहर चल रही है, 10 सीट निकलेगी क्लियर बता रहे हैं। तो क्या इस बार 10 की 10 सीट समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं? नहीं भैया, हम लोग भाजपा वाले हम लोग कतई नहीं देंगे, सब्सिडी बात है। लेकिन अखिलेश यादव तो इसे अपना दूसरा घर बताते हैं। अरे क्या बता रहे, गाँव उनका लिए है, जाके देखिए गाँव क्या दशा है, जिस गांव गोद लिए माननीय मुलायम सिंह यादव ना, उनके गांव के दशा पूछिए, बताएंगे खुद ही। क्या लगता है इस बार बदलाव होना चाहिए? जहर सी आजमगढ़, आजमगढ़ की 10 विधानसभा है, 10 में तो 4 तो बीजेपी को लेनी ही लेनी है, ये तो क्लियर है। जो है खाता नहीं खुलेगा, आजमगढ़ विधानसभा में इन लोगों का 10 सीट एकदम जा रही है बीजेपी की, समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, इनका किसान साढ़, महंगाई, बेरोजगारी, चारों मुद्दा एकदम जोरदार चला है, ये लोग एकदम जमीनी पॉइंट पे एकदम जीरो चल रहे हैं बीजेपी वाले। लेकिन इस बार कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की इस बार जो बदलाव है वो यहाँ पर, बदलाव की एक जो बयार है वो यहाँ पर देखने को मिली है। बदलाव हुआ है भैया, बदलाव इतना हुआ है कि कहें कि हम लोग काला धन वापस लाएंगे और सफेद को काला बना दिए ये लोग, पता नहीं चल रहा है धन का, इतनी महंगाई हो जा रही है कि हो सकता है दूसरी बार फिर कोरोना की लहर आ जाए, कोई ओटवे देने न जाए, पागल हो गए सब। ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव के लिए यहाँ पर लगातार जिस तरीके से हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को देखा, वहाँ पर क्रेडिट लेने की एक तरीके से होड़ मची हुई थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादी सरकार शुरू की थी, आप वहाँ पे किसी सरकार से रिपोर्ट मंगा के देख लीजिए, उसमें 50% समाजवादियों की देन है, जो पार्टी शुरू करती है जमीन पे लाती है, ये अखिलेश का मैनिफेस्टो था, इसलिए समाजवादी पार्टी को यहाँ के लोग वोट देंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी यहाँ पे 100 में 100% काम किया है आजमगढ़ में। ये लोग विश्वविद्यालय की सिर्फ नींव रखे हैं, वो भी एक ईटा नहीं लगाए हैं, आप जाके पता कर लीजिए। ये लोग जिस तरीके से अब सांड योजना पुलिस उठा रही है, अब अभी तक तो सांड इतना आक्रामक मचाए हुए हैं कि जहाँ रोड पे चले जाइए वहाँ पे सांड नजर आ रहे हैं। लेकिन आखिर योगी आदित्यनाथ तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत काम किया है, खासतौर से गरीबों के लिए, इस तरीके से जो खाद्यान्न योजना थी या फिर जो दूसरी योजनाएं हैं उसका लाभ। सर देखिए, हम की लाभ तो पाए, बहुत कुछ पाए हैं, आवास पाए हैं, गैस पाए हैं, क्या बोलते शौचालय पाए हैं, क्या लेंगे उससे बताइए, हमको लाभ मिल रहा तो नहीं गुनगाएंगे ना। ये लोग सपा वाले तो सपा वाली बात कर रहे हैं, भाजपा वाले तो भाजपा वाली बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, बदलाव इस बार बदलाव देखने को मिलेगा आजमगढ़ में? लग तो रहा है आजमगढ़ में बदलाव मिलेगा। किस तरह का बदलाव आप देखते हैं? इस तरह बदलाव देख रहे हैं कि भाजपा ने कुछ काम कर रही है, काम करने का मतलब है गुंडागर्दी खत्म कर रही है, और घर घर राशन फ्री में मिल रहा है सब कुछ, और जो है जो पहले से भूमाफिया लोगों का कब्जा था वो लोग अब तो डर गए हैं। यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से जो एक तरीके से जो लोगों के बीच है वो जो उनका मत है वो बटा हुआ है, और लगातार लोग जो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच इस बार भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि समाजवादी आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का लंबे समय से गढ़ रहा है, और दूसरी तरफ बीजेपी इस बार इस किले में सेधमारी करने के लिए पूरी तरीके से लगातार जोर आजमाइश कर रही है। इस वक्त हम सिबली नेशनल कॉलेज में मौजूद हैं, और यहाँ पर कुछ छात्र भी हमारे साथ जुड़े हैं, और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ की जो पहचान थी एक बार फिर से क्या वापस लौट आई है, या फिर से इन लोगों को वैसे ही उसी नजरों से देखा जाता। योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि आजमगढ़ की जो पुरानी पहचान थी फिर से वापस आ गई है। ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ नामकरण बदल कर पहचान वापस दिलाना चाहते हैं, विकास करके पहचान नहीं दिलाना चाहते, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है आजमगढ़ के लिए कि इस तरीके की बातें की जा रही हैं और इस तरह की बातें हो रही हैं, इससे हमें दुख होता है। एक दौर था जब आजमगढ़ की जो पहचान थी वो आतंकी फैक्ट्री के तौर पर कहा जाता था कि यहाँ के मदरसों में, लेकिन वो चीज अब मिट गई है, और शायद उसी बात का जिक्र योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि जो आजमगढ़ की जो पहचान थी कैफी आजमी से लेकर सिबली नोमानी तक फिर से उस पहचान की ओर बढ़ रहा है, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? ऐसा कुछ नहीं, आजमगढ़ कभी ना आतंकी का गढ़ था और ना रहेगा इंशाल्लाह। 10 सालों से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के ही जो नेता है
एक तरीके से वो सांसद रहे हैं, समाजवादी पार्टी का ये गढ़ रहा है, आपको क्या लगता है कितना इसमें बदलाव हुआ है आजमगढ़ में? अगर विकास की बात करें तो विकास के नाम पे आजमगढ़ में योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोई विकास नहीं है। जो भी यहाँ पे कार हुए हैं सब अखिलेश यादव के नाम पे हुए हुए हैं। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाई है ये अखिलेश यादव ही का बनाया हुआ है, पास किया हुआ है। इस पे बस योगी आदित्यनाथ उनके कार्य पे फीता ही काटे हैं और कुछ नहीं किए। देश में आजमगढ़ के युवाओं को एक संदेह की नजरों से देखा जाता था, लेकिन अब वो चीजें बदल रही हैं। क्या उस दौर को मलाल देखिए मलाल गलती ही नहीं करता, जब हमने कोई गलती ही नहीं की है, हमारी जो पहचान है बनी है तो हमें अफसोस क्यों हो? कुछ लोग अपने सियासी फायदे के लिए इसकी पहचान को गलत करना चाह रहे हैं, धूमिल करना चाह रहे हैं, तो उनकी अपनी सोच है। लाल हकीकत जो सबके सामने है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब हकीकत क्या है आजमगढ़ की, अब हकीकत क्या है, किस तरीके की? अब तब में कोई फर्क नहीं है, आजमगढ़ को बस सिर्फ छला गया, धोखा दिया गया, यहाँ के नौजवानों को सिर्फ बदनाम किया गया है। जो सबसे बड़ा इल्जाम लगाया जब से हमने होश संभाला है, बटला हाउस के जो कांड हुए हैं उसमें 2008 से लेकर 2021 तक हम हर साल 19 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर धरना प्रदर्शन करते हैं, ये बताना चाहते हैं, हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, आप CBI जांच करिए, क्लियर करिए, ये हम पे एक कलंक लगा हुआ है, इसको मिटाइए। हम CBI जांच की मांग करते हैं, जो है अगर हम मुजरिम हैं, अगर हम मुजरिम करार पाए जाते हैं हमें सूली पे चढ़ा दिया जाए, लेकिन अगर हम पे इल्ज़ाम लगाया गया है, अगर हम मुजरिम नहीं हैं तो हमें बरी किया जाए। इस वक्त हम सिबली नेशनल कॉलेज में हैं और यहाँ पर हमारे साथ कॉलेज के कुछ टीचर भी जुड़े हुए हैं और उनकी नज़रों से हम समझना चाहते हैं कि आजमगढ़ की असली पहचान क्या है, उस आजमगढ़ की जिसकी पहचान के बारे में CM योगी आदित्यनाथ ने भी पिछले दिनों जिक्र किया था। सर, आजमगढ़ की असली पहचान क्या है? योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि जो पहचान थी फिर से वापस आ गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वापस आई है और नौजवान जो है गुमराही के रास्ते पे भटक जा रहे थे, अब जो है जब से योगी जी की सरकार बनी है तब से क्या नाम है नौजवान पढ़ाई लिखाई और अच्छे माहौल, अपराध पे काफ़ी कंट्रोल हुआ है और सरकार काफ़ी अपराध को लेकर गंभीर है, उससे हम लोग मतलब बहुत प्रभावित हैं इस सरकार से। एक दौर हमने वो भी देखा जब आजमगढ़ के जो युवा थे देश से बाहर जाते थे, आजमगढ़ से बाहर जाते थे तो उन्हें संदेह की नज़रों से देखा जाता था, लेकिन अब ऐसे हालात नहीं दिख रहे, क्या इत्तेफाक रखते हैं आप भी? जी सही बात है, जब से BJP की सरकार आई है तब से क्या नाम है अपराध पे कंट्रोल हुआ है और शिक्षा पे लोग काफी कंस्ट्रक्टेंट कर रहे हैं। आजमगढ़ की असली पहचान क्या थी सर, पहले उसके बारे में बताइए फिर ये बताइए कि आजमगढ़ की असली पहचान जहां हम आप खड़े हैं एक तो वही पहचान है। क्या है बताइए इसके बारे में? अरे अल्लामा शिबली नोमानी को वर्ल्ड में सब लोग जानते हैं, एक पहचान की जगह तो यही है, राहुल सांस्कृतायन है और भी बहुत से लिटरेरी आदमी यहाँ गुजरे हैं, पढ़ने लिखने वाले गुजरे हैं, तो आजमगढ़ की पहचान तो यही थी। बीच में कुछ डिस्टरबेंस हुआ जिसकी वजह से लोगों ने बदनाम किया आजमगढ़ को, अदरवाइज आजमगढ़ आप इतिहास उठा के देख लें यहाँ का, स्वतंत्रता संग्राम से लेके आज तक हर फील्ड में आपको यहाँ के आदमी मिलेंगे, पढ़ाई लिखाई स्पोर्ट्स जिसमें भी जाएंगे आपको आजमगढ़ के लोग मिलेंगे। किसी भी शहर की सियासत का मिजाज या फिर राजनीतिक मूड वहाँ की चाय की अड़ियों से ही मालूम चलता है। इस वक्त हम आजमगढ़ के त्रिवेणी टी स्टॉल पे मौजूद हैं और यहाँ पर सभी वर्गों के लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियों के समर्थक भी हैं। आजमगढ़ में बदलाव की बात हो रही है, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि इस बार बदलाव देखने को मिलेगा, क्या लगता है आपको? बिल्कुल सर, बदलाव होना है। मैं पहले अपना परिचय दे दूं, कृष्णा सिंह युवराज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे से जिले के मंत्री हैं। सर, बदलाव की बात रही तो जो भी योजनाएं भारत सरकार की और माननीय योगी जी की हैं सभी धरातल पे, अभी देखिए प्रति यूनिट 10 किलो राशन भी मिल रहा है उनको और 500 रुपये वृद्धि हुई है, वृद्धा पेंशन में हो, विधवा पेंशन में, सारी चीजें, क्या नहीं मिल रहा है मत पूछिए, सारी चीजें उनको मिल रही। इस बल पे हम लोग आएंगे। दो दशक से हम लोग देख रहे हैं कि लगभग यहाँ पर समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा है, बहुजन समाजवादी पार्टी भी बीच में रही है, इस बार आप लोग क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बदलाव होगा? इसके पहले जातिगत समीकरण ज्यादा था लेकिन अब जनता जान गई है, जागरूक हो गई है, अब आजमगढ़ की जनता भी जागरूक हो गई है कि हमको विकास पे वोट देना है, हमारा विकास कौन करेगा। उसने 5 साल की सरकार में जो योगी आदित्यनाथ जी ने जो सरकार चलाई केंद्र से लेके प्रदेश तक की, उसमें लोगों को विश्वास जगाया है कि नहीं सबसे अच्छी सरकार यही है, ये विकास करेगी, पूर्णतः विकास करेगी। उसको देखते हुए आजमगढ़ की जनता ने मूड बना लिया है कि अब की बार बाबा की सरकार दोबारा लाना है। योगी आदित्यनाथ के काम से संतुष्ट है? बहुत संतुष्ट है, एकदम संतुष्ट है।
आजमगढ़ के लिए उन्होंने क्या काम किया कि संतुष्ट हैं आप? यह बात आपने बहुत पॉइंट की बात पूछा है कि आजमगढ़ के लिए उन्होंने क्या काम किया। आजमगढ़ में कम से कम 10 सड़कें उन्होंने बनवाया, आजमगढ़ में 10 सड़कें उन्होंने बनवाया जो लिंक रोड कभी नहीं बना था। दूसरी चीज यह है कि सारे लोगों को गल्ला दिया उसने। हमारे नगर पंचायत में 2.5 लाख रुपया आवास के लिए दिया उन्होंने, जो डायरेक्ट खाते में आया। 12-12 हजार रुपया के लिए दिया जो लोगों के खाते में आया, बिचौलिया नहीं कोई था। 2-2 हजार रुपया आपके इस सरकार में किसान निधि मिल रही सबको, और चाहिए क्या लोगों को? सबके घर आकर के दवा थोड़े देंगे वो। चाचा कह रहे हैं कि सड़कें तो बाबा जी ने बनवाई, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेस तो हमने बनवाया। नहीं, उनका सिर्फ पेपर पे बना, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं बना। ग्राउंड पे तो पूरी हकीकत जो है वो योगी सरकार ही लेकर के आई है, उन्होंने ही किया है। चाहे वो सारे लिंक रोड हो, साफ सफाई हो, गुंडा माफियाओं का खात्मा हो, सारा तो योगी जी ने ही किया है। काम तो उन्होंने कराया है, नो डाउट, ऐसा नहीं है, काम कराया भी है, लेकिन इतना काम नहीं कराया है कि जो कि काम बोल रहा है। चाहे कुछ कह लें कि ये मेरा, सपा भले कह ले, अखिलेश जी कह लें कि ये मेरी योजना है, ये मेरा काम है, लेकिन वो धरातल पे उतारा किसने और आपके सामने चीजें, विकास किसका दिख रहा है ना? तो मेन मुद्दा तो है कि विकास है, सरकार की नीतियां हैं, और ये जो डबल इंजन की सरकार है, कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार आम जनता के लिए जो है लाभदायक है। तो निश्चित तौर पे ये थी आजमगढ़ की जनता, जिसमें हर किसी के अपने दावे हैं। कोई एक तरीके से अखिलेश यादव के साथ है, तो कोई योगी आदित्यनाथ का साथ देने की बात कह रहा है, और इससे साफ जाहिर होता है कि जो आजमगढ़ का जो सियासी मिजाज है वो अब धीरे धीरे बदल रहा है। आजमगढ़ से अखिलेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत। उत्तर प्रदेश के जालौन में गृह मंत्री अमित शाह का अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप, कहा कि अखिलेश ये सपना देख रहे हैं कि वो सत्ता में आए और अयोध्या में बन रहे राम मंदिर पर अड़ंगा लगा दें, राम मंदिर को बनने से रोक देंगे, लेकिन राम मंदिर निर्माण काम कोई भी नहीं रोक सकता। बाबूजी कल्याण सिंह की सरकार किसने गिराई थी? कार सेवकों पर डंडा किसने चलाया था? अब उनको पसंद आएगा मंदिर बनेगा? उनको पसंद आएगा? वो तो राह देखकर ही बैठे हैं, शेख चल्ली के स्वप्न देखते हैं कि हमें यूपी की जनता चुन देगी और हम राम जन्मभूमि को बंद करा देंगे। अखिलेश बाबू, आप जानते नहीं हो यूपी की जनता को, जितना जोर लगाना है लगा दो, राम लल्ला के मंदिर के काम को कोई नहीं रोक सकता मित्र, कोई नहीं। और इसी के साथ रुक रहे हैं, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।